All right. Good evening, guys. Good evening. Good evening, everybody. Hello, 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 everybody. Kaise ho sab log? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है भाई साहब. मुझे पता था कोई आए नहीं आए, ये एग्जीक्यूटिव वाला पूरा क्लाइंट डेफिनेटली आने वाला है. मिस किया पक्का. ये श्रद्धा आ गई फिर से गाना गाने के लिए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई एम फीलिंग वंडरफुल, आई एम फीलिंग ग्रेट. अब ठीक है सब? सब बढ़िया, सब मस्त? मैं एकदम बढ़िया, एक नंबर. यस. तुम बताओ यार, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? हाँ मैं बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया. यस. अगस्त आने वाला है और तुम यहां पे बकर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चलो तैयारी. प्यारे लग रहे हो राज, क्या ही वैष्णवी, थप्पड़ पड़ जाएगा, पिट जाएगी तू. चलो एनीवे, सो मैं यहां पर आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते यार, क्योंकि बिल्कुल 10 दिन ही बाकी है. शर्म कर लो, बेशर्म हो. ठीक है, तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इफ आई स्टार्ट ऑफ, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ प्रोफेशनल. ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल के बच्चे ज्यादा पढ़ाकू है और एग्जीक्यूटिव वाले यहां पर यूं भी बकर करने आए हैं. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फटाफट से प्रोफेशनल का कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में एग्जीक्यूटिव का करेंगे. बट मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने वाली हूँ विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. ओके, बट ये सेशन बहुत छोटा होने वाला है. ठीक है, तो आप लोगों को यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आपको फटाफट से नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में मैं पूरा सेशन खत्म कर दूंगी. तो आपको भागने की जरूरत नहीं है कि हम पहले ये प्रोफेशनल वालों को खत्म हो जाए फिर हम आते हैं. यू डोंट नीड टू वरी. मैं फटाफट खत्म करने वाली हूँ. ओके, यस, ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलो, सो स्टार्टिंग ऑफ इट सीएस प्रोफेशनल, सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस विच इज इन ग्रुप टू. ठीक है, ग्रुप टू में हमारा ये सब्जेक्ट है. इसके मैं आपको कुछ पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगे. ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है. मार्क करते चलो. अगर आपके पास अभी मॉड्यूल या नोट्स नहीं है तो सिर्फ आप लोग चैप्टर यूनिट नंबर लिखते चलो. ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क, यूनिट नंबर 2 दैट इज कंप्लायंसेस, उसके बाद यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6. ये जो 3 यूनिट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसमें? पार्ट ए में. ये 40 मार्क्स में आप मेजरली मानकर चलो कि 32 से 33 मार्क्स का तो इन्हीं यूनिट्स में से आ जाएगा. तो अगर 40 मार्क्स अच्छे से करने हैं तो ये 5 यूनिट बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना, प्रॉब्लम खत्म. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट टू में, पार्ट बी में विच इज ऑफ 60 मार्क्स, तो पार्ट बी में सबसे जो सबसे महान एकदम मेगा चैप्टर जो हमारे यूनिट नंबर 19 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ एडिशन में यूनिट नंबर 20 भी अब इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पहले पूछते तो मैं शायद मना कर देती, बट आज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत सारे भयंकर सारे आए हैं अमेंडमेंट्स. मैं आपका अमेंडमेंट का लेक्चर भी ले चुकी हूं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, इसीलिए आज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम लोग पूछोगे मैम इसका वेटेज कितना होगा? इसका वेटेज अप्रोक्सिमेटली 15-18 मार्क्स का होगा. क्या बात कर रहे हो, 60 मार्क्स में से 15? हाँ जी, 15 मार्क्स का आपका इसका वेटेज रहने वाला है. ठीक है, उसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेक्रेटरियल ऑडिट. सेक्रेटरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. एक चैप्टर तो आपने बस एक सीएसएएस अच्छे से कर लेना. इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है मेरी जान? सीएसएएस. कौन से? 1, 2, 3, 4. ये अच्छे से कर लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा. सेक्रेटरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये दोनों जो चैप्टर्स है, ये दोनों चैप्टर्स का आपका 7-8 मार्क्स का वेटेज है. एक आपका सीएसएएस जो है वो आपका 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, फॉर श्योर. ठीक है, आएगा ही, लेकर चलो. अच्छा, इसमें जो आपका सीएसएएस 1 और 2 है वो आपको ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में भी बात करता है, अगर आपको याद हो तो उस पर आपको ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं. क्या? ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड आपको क्या आ सकते हैं? केस स्टडीज.
प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है? उसके बाद, उसके अलावा आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑडिट अच्छे से करना है. इसमें से एक या दो टाइप ऑफ ऑडिट, स्पेशली टेक ओवर ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, ठीक है? उसके बाद आपका सीएसआर ऑडिट. ये जो ऑडिट्स हैं, इस पर से आपको अलग से एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत अच्छे से करना है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. उसके बाद नेक्स्ट इज ऑडिट एंगेजमेंट. मैंने आपको अभी बताया है ऑडिट एंगेजमेंट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा, सॉरी चैप्टर नंबर 16 नॉट 15 है, चैप्टर नंबर 16, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और है बहुत इजी. अच्छा, मैंने एक यूट्यूब पर अलग से चैप्टर नंबर 16 के नाम से क्या कर दिया है, चैप्टर नंबर 16 से मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. वो बस आपने वो एक घंटे का वीडियो देख लेना, आपका ये पूरा वीडियो, पूरा ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. समझ में आ गई बात सबको? आप लोग सर्च कर सकते हो फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय सौम्य कटारिया, आपको मिल जाएगा और वहां पर आप वो चैप्टर एक घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? सो ये हो चुका है हमारा क्या, डीडी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ये आप लोग इसका फोटो भी ले सकते हो इन केस आपने अभी तक नोट नहीं किया है या फिर इफ यू हैव ज्वाइंट लेट. ओके, यस, डन. चलो अब हम आते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर. सो आप लोगों के जो मॉड्यूल में बड़ा वाला इंडेक्स, एक तो आईसीएस इतना बढ़िया है ना, बड़ा बड़ा इंडेक्स देता है, पहले छोटा इंडेक्स फिर बड़ा इंडेक्स फिर और बड़ा इंडेक्स, कोई काम नहीं है. एनीवे, हम लोग फटाफट से करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. यूनिट वन में आप लोगों को अच्छे से करना है, एक तो रोल ऑफ सीएस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? रोल ऑफ सीएस बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना है. उसके बाद सेकेंड आपको जो अच्छे से करना है वो है कंप्लायंस रिव्यू रिस्क एंड अपडेशन, सेकेंड टॉपिक. थर्ड टॉपिक जो बहुत अच्छे से करना है वो है तीनों में डिफरेंस. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन याद रखना, कंपेरेटिव फॉर्मेट में बनाकर आना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में रोल ऑफ सीएस इन कंप्लायंस मैनेजमेंट, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है. ये चार टॉपिक मेजरली अच्छे से करना है, ठीक है, यूनिट नंबर वन में. उसके बाद यूनिट नंबर टू में आपको अच्छे से जो चीज करनी है वो है एलएलपी के कंप्लायंसेस, एलओडीआर के कंप्लायंसेस विद अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मैं पढ़ा चुकी हूं. उसके बाद आपको करना है अंडर कंपनीज एक्ट जो प्राइवेट कंपनी के, मेजरली आप ये करके चले जाओगे आपका ये यूनिट नंबर टू पूरा हो जाएगा. ये मैं लास्ट मिनट की बात कर रही हूं, जब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, अभी से मत छोड़ देना. एग्जाम के एक दिन पहले वो जो आपको कुछ चंद घंटे मिलते हैं, 7-8 घंटे मिलते हैं ना, तब आपको ये वाले टॉपिक्स कर लेने हैं. उसके बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूंगी तो ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अच्छा, इसमें अगर आप फिजिकल रिपोजिटरी और इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी में इनकेस डिफरेंस बिटवीन आता है तो वो आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से कर सकते हो. मतलब एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी इज डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल रिपोजिटरी एंड वाइस वर्सा, है ना? तो इतना दिमाग लगाना और डिफरेंस बिटवीन अच्छे से कर लेना. सिमिलरली वर्चुअल और फिजिकल डेटा रूम का भी जो डिफरेंस बिटवीन है वो बहुत अच्छे से कर लेना. गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे से कर लेना है. क्लियर है? बहुत अच्छे से. उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है ये जो आपको डॉक्यूमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी, ये बहुत अच्छे से करना है. डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से कर लेना है. नेक्स्ट सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट विच सेज, आपको ये नॉर्मल है, बस चार्जेस से रिलेटेड जितना भी है ना वो अच्छे से कर लेना. चार्जेस का जितना भी सेक्शन 77 का दिया हुआ है, क्योंकि अमेंडमेंट आया था बहुत मेजर, तो सेक्शन 77 कितने दिन में करना होता है चार्ज को रजिस्टर, वो अच्छे से कर लेना. ये अगर आपने नहीं भी किया तो चलेगा, बट सर्च रिपोर्ट का एक फॉर्मेट देख कर जाना, ड्राफ्ट करने आ सकता है. आ रही बात समझ में? सर्च रिपोर्ट अच्छे से कर लेना, आपको इसको ड्राफ्ट करने आ सकता है. मैं आपको बोल रही हूं मॉड्यूल में दिया हुआ है. यूनिट नंबर 5 में केवाईसी में टाइप्स ऑफ केवाईसी का डिफरेंस 100% पूछेंगे वो. ईडीडी और सीडीडी में डिफरेंस, ईडीडी वर्सेस सीडीडी में डिफरेंस, या फिर इन पर शॉर्ट नोट 100% पूछेंगे, इसको अच्छे से कर लेना. फ्रॉड अच्छे से कर लेना, फ्रॉड पूछा जाएगा, ठीक है? फ्रॉड अच्छे से कर लेना आप लोग. उसके बाद साइनिंग सर्टिफिकेशन में डूज एंड डोंट्स, कॉमन एरर्स इन फाइलिंग, ये अच्छे से करना है. पीयर रिव्यूज में छोड़ सकते हो क्योंकि वो यूनिट नंबर 17 में ऑलरेडी दिया हुआ है. साइनिंग एमजीटी 7 एंड एमजीटी 8
ये आपको करना है अच्छे से कि ये दोनों MGT7 MGT8 साइन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। और ये प्रोफेशन मिस करना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। सेगमेंट वाइज रोल इसमें मैं आपको क्लियरली बता दूं, पीसीएस के ऊपर जो आपको सेगमेंट वाइज रोल दिया हुआ है कि पीसीएस क्या क्या कर सकता है वो पूरी लिस्ट कर लेना। सेगमेंट्स जो आपको दिए हुए ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्री, इसमें मैं आपको क्लियरली बता दूं, देखो आप लोग रटने जाओगे आपको नहीं आएगा, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इंडस्ट्रीज, डू नॉट एट ऑल वेस्ट टाइम ऑन इंडस्ट्रीज, अनलेस आप लोग बहुत अच्छे से पहले से ही कर चल रहे हो। ओके, तो पहले से ही करके चल रहे हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब टाइम वेस्ट मत करना, नहीं हुआ है छोड़ दो, जाने दो, हार्डली आया तो आया, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, तो वो 4 मार्क के लिए बाकी 96 मार्क्स को दावे पर मत लगाना, ठीक है, ओके, यस। उसके बाद ऑडिट को जाने दो, ये वाले में मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, CSAS, क्या करना है मेरी जान, CSAS। उसके बाद सेक्रेटेरियल ऑडिट, ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट में तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसकी जो चेकलिस्ट है पूरी की पूरी, चेकलिस्ट की जो सारे पॉइंट्स आप लोगों के, कि कंपनीज एक्ट में चेक करना है और आपके LODR में चेक करना है, फेमा में करना है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट में करना है, तो सारी जो पूरी चेकलिस्ट है ना कि क्या क्या चेक करना है सीएस को, वो बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पूरी चेकलिस्ट। नहीं याद हो रहा है अभी भी मैं बोल रही हूँ, टाइम है याद कर लो, बट ये करना है, ओके। सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो प्रोसेस है, अच्छा पीसीएस कितने ऑडिट कर सकता है, नंबर ऑफ ऑडिट, ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जो आया है अभी, ये आपको कर लेना है बहुत अच्छे से। क्या समझ में आया, आ रही क्या बात समझ में, ठीक है, तो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है कि नंबर ऑफ ऑडिट्स जो पीसीएस कर सकता है 10 कर सकता है, 15 कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीयर रिव्यू, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में गाइडिंग प्रिंसिपल्स, बस पॉइंट्स कर लेना। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूं, मेन टॉपिक्स करके जाओ, अंदर का मैटर मन से प्रिपेयर करो, अगर अंदर का मैटर रटने गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है, तो मेन हेडिंग्स मेन पॉइंट्स लर्न करके जाओ, अंदर का मैटर मन से लिखो, मन से समझो, कंटेंट समझो कि क्या दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना है। इंटरनल ऑडिट में ऑब्जेक्टिव और स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद इंटरनल ऑडिट की टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर ले आपका काम हो जाएगा, ये मेन है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इंटरनल ऑडिट टेक्निक्स, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क कर लिया है। उसके बाद अब कौन कौन से ऑडिट्स इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ, CSR ऑडिट मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, टेक ओवर ऑडिट इंपॉर्टेंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग, एनवायरमेंटल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, ये सारे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वंस है, ये आप लोग कर लेना, बाकी भी करके जाना है, छोड़ने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, बट ये जरूर करके जाना है, ओके, यस। उसके बाद ऑडिट एंगेजमेंट में तो भाई साहब जो भी आप लोगों को दिए हुए हैं ना सारे क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, किस चीज को लेकर, सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है, तो वो प्लीज अच्छे से करके जाना। मैम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 करना है क्या, एक्चुअली इट वाज इनएक्टेड इन सितंबर बट वाज नोटिफाइड इन दिसंबर 2020, यस करना है, करके जाओ। देखो आप लोगों को दिया तो गया था ये वाला, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी चांसेस कम है आने की, बट करके जाओ, ठीक है, एक बार देख कर चले जाओ, है ना। तो ऑडिट एंगेजमेंट में किन बातों का ध्यान रखना है, ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट में, फीस का क्या, रीइंबर्समेंट क्या क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको करके जाना, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। एक जो चीज मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता रही हूं, अगर आपने CSAS 2 कर लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो CSAS 2 कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स क्या बोलता है, ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, गाइस जस्ट 1 मिनट, यस चलो। सो ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स क्या बोलता है, आप लोगों को सबसे पहले ऑडिट टेक्निक्स क्या है वो अच्छे से करना है, ठीक है, उसके बाद
कंप्लायंस टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपर्ट का ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट. रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट. ये चार टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यस सीएसएस वन नॉट टू वन. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ऑडिट प्रोग्राम प्लान वर्सेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लान वर्सेस प्रोग्राम, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना. वर्किंग पेपर्स, क्रॉस रेफरेंसिंग, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, ये चार से पांच टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स, क्रॉस रेफरेंसिंग, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये करके जाना है, इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है वो हो जाएगा समाप्त. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, ये तो भाई पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा भी है, इसको कर लेना. देखो इसमें तुम लोग एक तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन कर लेना, बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट है. थर्ड पार्टी ओपिनियन एमआरएल डायरेक्टली ड्राफ्ट करने आ सकता है. एमआरएल डायरेक्टली ड्राफ्ट करने आ सकता है, तो आप लोग करके जाना. ठीक है, यस. उसके बाद एग्जिट कॉन्फ्रेंस अच्छे से कर लेना. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेशन, ये तीन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट आपको दिया हुआ है मॉड्यूल में, अच्छे से करके जाना. ठीक है, यस. उसके बाद प्री रिक्विजिट फॉर द रिपोर्टिंग, ये आप लोग देखकर जाओगे तो चल जाएगा. ठीक है, जाने दो. उसके बाद साइनिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये साइनिंग, साइन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, इस पर आ सकता है क्वेश्चन. उसके बाद ये तो मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया, ये आप लोग एक वीडियो देख लो यार, मेरा एक मैंने बहुत गजब वीडियो डाला है, उसको देख लो, काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला फ्रॉड वर्सेस नॉन कंप्लायंस क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकता है. किस तरह की रिपोर्टिंग होती है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ तो क्या, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हुआ तो क्या. ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या, SFIO पर तो आपको शॉर्ट नोट आ सकता है डायरेक्टली, तो ये पूरा अच्छे से करके जाना. ठीक है, क्वालिटी रिव्यू की मैं बात करती हूँ गाइस. क्वालिटी रिव्यू एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, बट इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं तो इसमें ज्यादा आने के चांसेस हैं. तो पहले इतने नहीं आते थे बट अब आ सकते हैं. ठीक है, ओके गाइस, प्लीज कॉमेंट्स पर ध्यान मत दो. ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान मत दो कॉमेंट पे, जाने दो. तुमको क्या करना, तुम अभी इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दो. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है पीयर रिव्यू के, उसके बेनिफिट्स क्या है, एक्सपेक्टेड क्वालिटीज क्या होती है, पीयर रिव्यू की प्रोसेस क्या होती है, पीरियोडिसिटी एंड कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट कौन बेयर करता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. QRB, अच्छा तुम्हारे जो डाउट होता है मैम मुझे लास्ट के पॉइंट वो नहीं होते, हम अच्छे से क्या करें. देखो जो लास्ट के पॉइंट एक बार पढ़कर चले जाना, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, उस पर नहीं आता है क्वेश्चन. इनकेस आ गया तो पढ़कर चले जाना. ठीक है, उसके बाद वैल्यूज एथिक्स, ये वाला तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग मेन एथिक्स वाला चैप्टर ग्रुप वन में पढ़ते ही हो. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इसमें डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज. मॉडल एथिक प्रिंसिपल फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, एथिकल डिलेमा पर शॉर्ट नोट, और ये जो केस स्टडीज है ना आपको दी हुई है, केस स्टडीज वो इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना. तो ये जो मैंने मार्क करवाए करते जाओ. ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 19, मेगा चैप्टर. चैप्टर नंबर 19 तो भाई साहब भयंकर इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है. ठीक है, सो इसमें जितने भी अलग अलग टाइप की ड्यू डिलीजेंस है आपको SC/ST में दिया है, आपको जो टाइप्स ड्यू डिलीजेंस है, टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस, वो अच्छे से करके जाना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से. चेकलिस्ट जो आपको दी हुई है अक्वायरर की, टारगेट कंपनी की, कंसिडरेशन की चेकलिस्ट, वो अच्छे से करके जाना है. फोटो खींचते जाओ गाइस, स्क्रीनशॉट लेते जाओ. ठीक है, उसके बाद मर्जर अमलगमेशन का जो ड्यू डिलीजेंस है वो अच्छे से करके जाना है. मर्जर अमलगमेशन की जो स्ट्रैटेजी का DD है वो आपको कर लेना है. NDA का ड्राफ्टिंग करना है, MDA की NDA की ड्राफ्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा, एक टॉपिक जो मैं मिस कर चुकी हूं जो आपको करना ही है वो है एंगेजमेंट लेटर. एंगेजमेंट लेटर जो आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए, इसमें ड्राफ्टिंग आ सकती है, तो एंगेजमेंट लेटर आपको अच्छे से करके जाना है. ठीक है, यस.
ऑडिटर पर फाइन चेंज हुआ ना इन इन केस ऑफ फ्रॉड? यस मेरी जान खुशबू, ऑडिटर पर फाइन चेंज, ऑडिटर पर फाइन चेंज हो चुका है, कंपनी पर चेंज हो चुका है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर चेंज हो चुका है, तो अच्छे से करके जाना। मैंने एक अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी पोस्ट किया है, अभी तक नहीं भी देखा हुआ हो तो प्लीज देख लेना, बट अमेंडमेंट्स करके जाना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अमेंडमेंट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। ओके यस ओके ना, डीडी पार्ट टू में हम बात करते हैं, तो इसमें भयंकर सारे अमेंडमेंट है, तो इसको कर लेना है। कंपाउंडिंग, सेबी में एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कैसा है, सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आप पर एक्शन लिया जाता है, जेड सिक्योरिटी में आपको, जेड स्क्रिप्ट में आपको डाल दिया जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकेस आपने वायलेशन किया है तो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अच्छे से करके जाना, कंपाउंडिंग करके जाना। अच्छा एक चीज, पर्सनल हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हियरिंग करके जाना। एक चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी अमेंडमेंट के टाइम पर, अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पर मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में इंपॉर्टेंट पेनल्टीज भी मार्क करवाई थी कि इंपॉर्टेंट पेनल्टीज आपको कौन सी करके जानी, सिर्फ वो करके जाओगे चल जाएगा, ठीक है मेरी जान, सिर्फ वो करके जाओगे चल जाएगा। डू नॉट टेक, डू नॉट यू नो स्ट्रेस अबाउट इट, छोटा सा चैप्टर है, बट ये जो मैंने मार्क करवाया ना, ये वाले टॉपिक्स करके ही जाना यूनिट 20 में, और मैं तो बोलती हूँ पूरी अच्छे से कर लेना, क्लियर है। डीडी ओवरऑल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकलिस्ट सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स करके जाओ, टॉपिक मन से लिखो। डीडी में ध्यान रखना, कुछ टिप्स मैं आपको हाथों हाथ दे रही हूं, वो क्या है, गिव देम एज मच कॉन्टेंट एज पॉसिबल, ठीक है, जितना कॉन्टेंट दे सकते हो उतना अच्छे से कर लेना। डीडी का लास्ट टॉपिक आर्चरी में भी है, यस ममता, ठीक है, कॉन्टेंट ज्यादा देना है, आंसर को हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, उसके बाद मेन पॉइंट्स और उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, कोई भी आंसर हो ये। अच्छा ये चीज ना मैं तुम्हें सारे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल सारे स्टूडेंट्स को बता रही हूं, थ्योरी क्वेश्चन लिखो, हर क्वेश्चन को आप इंट्रोडक्शन से लिखो, फिर पैराग्राफ चेंज करो, मेन पॉइंट लिखो और उसके बाद कंक्लूजन लिखो। डू नॉट एट ऑल राइट द आंसर जस्ट इन पैराग्राफ्स। अच्छा ये जो मेन वाला ना, फिर तुम पूछते हो मैम आंसर तो पॉइंट में लिखना होता है, तो ये जो मेन पैराग्राफ है ना इसको पॉइंट में लिखो, तो तुम्हारा बेहतरीन आंसर बन जाएगा। क्या बताया मैंने, इंट्रोडक्शन लिखो कोई भी क्वेश्चन में, पैराग्राफ चेंज करो और फिर मेन पॉइंट, मेन पैराग्राफ लिखो, इसको आप पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो और फिर कंक्लूजन लिखो, ठीक है। तीसरी चीज जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट 5 पेजेस और लास्ट 5 पेजेस, इसके बारे में मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा सस्पेंस है, वेट कर लो, थोड़ा सा सस्पेंस है, खत्म होने वाला है, ठीक है, तो इसको हम खत्म करते हैं फटाफट से। मैम प्लीज टेल मी हाउ टू प्रिपेयर डीडी इन वन डे बिफोर एग्जाम इन 10 to 11 आवर्स। देखो मैंने अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो कर लेना है। आप लोग मेक क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो क्वेश्चंस अच्छे से करना जरूरी है, ठीक है। अब गिव मी जस्ट 10 more minutes, मैं सारी टिप्स आपको लास्ट में देने वाली हूँ, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल। बस 10 मिनट का समय और दो मुझे, पक्का प्रॉमिस, 10 मिनट्स, ओके। सबके लिए मैं ओवरऑल आप लोगों को बताने वाली हूँ, गिव मी 10 मिनट्स। डीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर है सबको। अब मैं ड्राफ्टिंग पे आती हूँ फटाफट से, ड्राफ्टिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ड्राफ्टिंग के इंपॉर्टेंट जो ड्राफ्ट हैं वो मैंने ना अपने इंस्टाग्राम चैनल पर एक IGTV डाला था, ठीक है, वो अभी भी आप लोगों को दिख जाएगा, IGTV वीडियो, वो चैनल में मैंने IGTV वीडियो डाला था, उसमें आपको सारी की सारी चीजें आराम से दिख जाएंगी कि इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट कौन सा है। मैं आपको नाम लेकर बता देती हूँ, आपको दिख जाएगा वैसे तो, वो देखो मैंने उसमें आपको दिया हुआ है, फॉरेन कोलैबोरेशन, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, लीज, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट, एफिडेविट एंड एविडेंस, विल एंड गिफ्ट्स, ठीक है। ये मैंने IGTV में डाल रखा है, माय प्रोफाइल इज ओपन, तुम लोग वहां पर जाकर देख सकते हो, ओके। बट अदर देन दैट, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, वो तो इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट हो गए, वो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डाल चुकी हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात अगर हम करते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक में सबसे पहले, फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, मोड ऑफ कंट्रोल ऑफ डेलीगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स, वारंट केस होते हैं, समन केस होते हैं, बहुत
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की जो प्रोसीजर दी ना, एक बड़ी सी लिस्ट दी हुई है, उसमें आपको जो डिफेंडेंट के बारे में दिया हुआ है, स्पेशली सिविल वाले में, कि डिफेंडेंट प्रेजेंट हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, एक्स पार्टे डिसीजन का क्या, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ना केस स्टडी आ सकती है कि डिफेंडेंट नहीं, प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं हुआ बट डिफेंडेंट ने एलिगेशन डिनाई कर दिया, अब क्या। प्लेंटिफ प्रेजेंट हुआ, डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, अब क्या। दोनों ही प्रेजेंट नहीं हुए, अब क्या। तो वो सारी चीजें आपको इस वाले में दी हुई केस स्टडी आ सकती है, उसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये तीनों में डिफरेंस आएगा ही आएगा, अपील, रेफरेंस, रिविजन, रिव्यू, इनमें आएगा ही आएगा डिफरेंस। रेफरेंस हटा दो, अपील, रिविजन, रिव्यू, डिफरेंस आएगा ही आएगा। किसमें? अपील, रिविजन, रिव्यू में डिफरेंस आएगा ही आएगा। यूनिट टू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग में ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन ले लो, ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग में डिफरेंस ले लो, कन्वेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ले लो, डूज एंड डोंट्स हो गए, सारे प्रिंसिपल्स हो गए, आपके जो जो 20 पॉइंट्स दिए हुए ना आप लोगों को, 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं इंटरप्रिटेशन, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट को किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्मल अग्रीमेंट्स को इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट को किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट्स पर केस स्टडी आ सकती है। वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। टाइप्स ऑफ डीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, हेबेंडम, रेडेंडम, पार्सल्स क्लॉज, टेस्टिमोनियम क्लॉज, टेस्टेटम क्लॉज, ठीक है, प्रमाइसिस, इन सब पर आपको डायरेक्टली क्या आ सकता है मेरी जान, शॉर्ट नोट। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, मैं क्या बोल रही हूं, बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदित्य, ऐसे मैं 5 मिनट्स में स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, ये थर्ड यूनिट है, इसमें आपको मेजरली जितने भी नोटिसेस, एजेंडा, रेजोल्यूशन, ठीक है, इसकी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। मतलब मैं क्या बता रही हूं, 4-4 मार्क्स में आते हैं ये, और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 4 मार्क्स में आते फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूं इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इसी चैप्टर में एक चार्ट दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन से टाइप के रेजोल्यूशन में ऑर्डिनरी पास करना है, कौन से टाइप के रेजोल्यूशन में स्पेशल पास करना है, कौन से टाइप के रेजोल्यूशन में स्पेशल नोटिस चाहिए, तो वो चार्ट अच्छे से करके जाना, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस स्लिप कैसे बनाना है, पोस्टल बैलेट का नोटिस कैसे बनाना है, ये भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसमें आ सकता है SS1 SS2 में इससे रिलेटेड आपको केस स्टडीज भी आएंगे, तो इस पर केस स्टडीज आती हैं डायरेक्टली। कंपनी लॉ अगर आपने एग्जिट में अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रॉपरली करके जाना। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट तो मैं आप लोगों को बता ही चुके हूं, अदर देन दैट और आपको जो अच्छे से कर लेना चाहिए, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, थ्योरी पर ध्यान देना इन टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम वीडियो में डाल चुकी हूँ। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, डेल क्रेडर एजेंसी, कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इसमें पूरा आर्बिट्रेशन की जो भी पूरी थ्योरी वो आ जाएगी। गारंटी, इसमें टाइप्स ऑफ गारंटी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन टू गारंटीज पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ई कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकता है ना, लीव एंड लाइसेंस, इस पर केस स्टडी पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद विल, तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। गिफ्ट किससे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इन टेबल फॉर्मेट, फॉर श्योर डिफरेंस बिटवीन हमेशा टेबल फॉर्मेट में लिखना है, जिसमें आप लोग बेसिस लिखेंगे। ये एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिस लिखेंगे, एक टॉपिक एक टॉपिक, इस तरह से ही लिखना है। वॉट इफ मैम हमें टॉपिक, हमें डिफरेंस बिटवीन बनाने नहीं आया तो क्या। देखो, अगर तुम्हें नहीं बनाने आता है ना तो फिर उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, बट पैराग्राफ फॉर्मेट में भी कैसे, पॉइंट नंबर 1 फॉर फर्स्ट टॉपिक एंड पॉइंट नंबर 1 फॉर सेकेंड टॉपिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको डीड और अग्रीमेंट में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 फॉर डीड, पॉइंट नंबर 1 फॉर अग्रीमेंट, फिर एक लाइन छोड़ी, पॉइंट नंबर 2 फॉर डीड, पॉइंट नंबर 2 फॉर अग्रीमेंट, फिर एक लाइन छोड़ी, पॉइंट नंबर 3 फॉर डीड, पॉइंट नंबर 3 फॉर अग्रीमेंट, इस तरह से लिखोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इन दोनों में से एक फॉर्मेट अपनाना है, ठीक है। अब एक तुम्हें एक बहुत ऐसी मक्खन टिप देने वाले, तुम्हें मजा आ जाएगा, और वो मक्खन टिप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के लिए है, और वो क्या है मेरी जान,
कोई भी डिफरेंस बिटवीन चालू करो, पहले उसकी डेफिनेशन अलग से लिखो, ठीक है? क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर जैसे आपने टेबल बनाया, ठीक है, तो टेबल बनाने के पहले एक डिफरेंस, एक यू नो उन टॉपिक्स को पहले अच्छे से डिफाइन कर दो. जैसे यहां पर आपको पूछा है कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेयंस में डिफरेंस, ठीक है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डिफरेंस. सो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेयंस में पहले आपको डिफाइन करना है और उसके बाद आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है. एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद यूनिट 5 में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब भयंकर इंपॉर्टेंट है. हायर परचेज छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? फैमिली सेटलमेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली सेटलमेंट अच्छे से कर लेना. यूनिट नंबर 6 में थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, मॉर्गेज इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? उसके बाद आप लोगों का मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, लाइसेंस तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, सबलीज इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल पॉइंट्स टू बी टेक केयर, यू नो यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल ड्राफ्टिंग लीज डीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी से. असाइनमेंट में आपको इतना ज्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, असाइनमेंट में अगर आपको आएगा तो मोस्टली ड्राफ्टिंग आ सकती है, बट पार्टनरशिप की थ्योरी आ सकती है. पार्टनरशिप की शायद ड्राफ्टिंग नहीं है, बट थ्योरी जरूर आ सकती है, तो पार्टनरशिप अच्छे से कर लेना. टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, ये ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थ्योरी ट्रस्ट कर लेना. अच्छा, सबका आपको पता होना चाहिए कि किसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, किसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, किसमें स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी है, सब आप थोड़ा सा ध्यान रखना. स्टैम्प ड्यूटी मेजरली सब में कंपलसरी होती है. यूनिट नंबर 8 की हम बात करते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट पर केस स्टडी आ सकती है, नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने भी आ सकता है, तो अच्छे से कर लेना. अंडरराइटिंग पर आपको थ्योरी आ सकती है, मैं अभी सिर्फ थ्योरी बता रही हूं, ठीक है? एमडी आपका, इस पर आपको ड्राफ्टिंग आ सकती है, एमडी, मैनेजर, सीएस, तीनों में से किसी पर भी ड्राफ्टिंग आ सकती है, ठीक है? तो वो अच्छे से कर लेना. उसके बाद स्लम सेल पर थ्योरी आएगी, स्लम सेल की थ्योरी अच्छे से कर लेना. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पर ड्राफ्टिंग आ सकती है, ठीक है? ये आप लोग कर लोगे. उसके बाद प्लीडिंग्स, ओ माय माय, देखो प्लीडिंग्स में सिंपल है, प्लीडिंग्स आप एक भी चीज नहीं छोड़ोगे, आपको सब कुछ करना है, चाहे वो एफिडेविट हो, चाहे वो आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, सिविल प्रोसीडिंग्स हो. प्लीडिंग्स के स्पेशली जो चार रूल्स है स्टार्टिंग में, फॉर लॉ नॉट फैक्ट्स नॉट लॉ, और फैक्ट्स नॉट एविडेंस, मटीरियल फैक्ट्स ओनली, तो जो भी स्टार्टिंग के जो आपके टॉपिक्स है मेन, वो अच्छे से कर लेना है. एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एफआईआर क्या होती है, बेल क्या होती है, इसकी जितनी भी ड्राफ्टिंग है, रिविजन, अपील, वो सब आपको अच्छे से कर लाना है. इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है. इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन पे तो सीधे शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ डिफेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो करके जाना. आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत सिंपल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी. किन बातों का ध्यान रखना, एक ओपिनियन लेटर लिखते टाइम वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ऑल्सो रिट्स अच्छे से करके जाना है, इसमें रिट्स इंपॉर्टेंट है, रिट्स में आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में अपीयरेंस एंड एडवोकेट, इसमें आपको बस ना जो आपको ये दिए हुए हैं, एक तो अपील अंडर वेरियस एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, सैट हो गया, रेरा हो गया. अच्छा, रेरा में आ सकता है क्योंकि रेरा न्यूली एड हुआ था, तो रेरा में जो अपील कैसे कर सकते हैं वो आ सकता है आपको, ठीक है? बस अपील्स अलग अलग एक्ट्स में जो है वो आप कर लेना अच्छे से. और ये जो है रूल्स ऑफ एडवर्स इन्फरेंस एंड प्रिलिमिनरी सबमिशन, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये कर लेना शॉर्ट नोट, या फिर एक सिंपल 4-5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन. और ये जो एटिकेट्स हैं, बस ये एटिकेट्स कर लेना, इसमें आपको फुल मार्क्स स्कोर करना आना चाहिए, ठीक है? तो इन पर क्वेश्चन है तो पहले डिफाइन करो कि एटिकेट्स क्या होते हैं. जैसे प्रोफेशनल एटिकेट्स पूछा तो ये क्या होते हैं, ड्रेसिंग एटिकेट्स क्या होते हैं, पहले आप डिफाइन करो और इसके बाद उसको आपको एक्सप्लेन करना. इज इट क्लियर? ये जो है ये ड्राफ्टिंग के मैंने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है. मैं अभी रिपीट कर रही हूं, मैंने इंस्टाग्राम पर एक आईजीटीवी वीडियो डाला था, उस पर मैंने इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ओके? यहां पर प्रोफेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो वाला पार्ट खत्म होता है. लास्ट में मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग 5-10 मिनट और वेट करो. आई नाउ स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट. एग्जीक्यूटिव के बच्चे बिल्कुल पागल हो गए, मैम एसएम. देखो एसएम पर आते हैं अपन, ठीक है? तो एसएम में आप लोगों को 6 यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है?
यूनिट नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की, ठीक है। सो बैटरी मस्त चली जाती है, देखो अपन आ जाते हैं डायरेक्टली एसएम पर। देखो एसएम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? हाँ फाइनली ऋतुजा पिटना है क्या? चलो ऐसे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से फटफट देख लेते हैं, झटझट पटपट। देखो सबसे पहले तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई साहब भयंकर जोर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट करके जाना, बिल्कुल करके जाना। डू यू हैव एन ऑप्शन? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 11 है, बहुत सिंपल है, है ना। अच्छा तो अलग अलग जो आपके ऑथर्स हैं उनकी डेफिनेशन अच्छे से करके जाना, ठीक है। जैसे हैरोल्ड कून्स ओडोनेल हो गया, जॉर्ज आर टेरी हो गया, फेयॉल हो गया है, टेलर हो गया है। अच्छा और भी बहुत सारी नई डेफिनेशंस ऐड की गई थी जो मैंने अमेंडमेंट में पढ़ाया है, ये वाली देखो, फ्रेडरिक टेलर है, उसके बाद मैक्स वेबर हो गया, हेनरी एल्टन मेयो हो गया, ठीक है, मेयोनीज का था ये, फिर लुडविग वॉन बॉटल फी हो गया। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट नई नई डेफिनेशन ऐड हुई है अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मैं एक बात बोल रही हूँ ना, तुम सिर्फ इसको ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, बस इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे, काम हो जाएगा। बस छोटी सी बात जिनका ध्यान रखना है, चूंकि आपका पेपर एमसीक्यू होता है इसीलिए जो आपके प्यारे से बहुत सुंदर से ऑथर्स है ना, नाम याद रखना जरूरी है। ईयर्स याद रखो कि उन्होंने कौन से साल में कौन सी डेफिनेशन दी है, ठीक है, कौन से साल में कौन सी बुक लिखी थी, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी जरूरी है, ठीक है, ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। अच्छा आपको डायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि भाई स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग में आपको चार स्टेप्स दे दिए, बीच के एक स्टेप का अगर बोलो कि बीच के स्टेप कौन सी वो बताओ, है ना। तो आपको सब चीजें सीक्वेंस में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉट इज द थर्ड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, चार ऑप्शन दे दिए, तो सारी चीजें सीक्वेंस में भी याद करना जरूरी है और एक एक पॉइंट भी याद करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना जरूरी, जैसे ईयर, ऑथर का नाम, बुक का नाम, क्या बुक लिखी थी, ऑथर को डेफिनेशन से रिलेट करके लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, ओके, यस। स्टाफिंग के ये सारे पॉइंट्स कर लेना है, ये जो आपको सारे पॉइंट्स दिए हुए स्टाफिंग के, ये वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है, कि इसकी जो पूरी स्टेप है ना प्रोसेस, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर हम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉजेज ऑफ डेविएशन, कि डेविएशन क्यों आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, डेविएशन क्यों आता है, कंट्रोलिंग में बहुत अच्छे से कर लेना इसको। चलो अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। ये तो मैं आप लोगों को वैसे बता ही चुकी हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एसएम के हैं वो है 14, 15, 16, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये तो आप लोगों को पता है, बट बाकी तीन चैप्टर्स तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो भी अच्छे से करने पड़ेंगे। तो बाकी तीन चैप्टर्स को मैं आपको और क्या इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेते हैं। 11th यूनिट हम कर चुके हैं, 12th यूनिट में आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक, एज अ स्ट्रैटेजिक लीडर किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये तो भाई साहब इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, रट लो, याद कर लो, जो करना है कर लो, आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से, ठीक है, ये वाले कि जो स्ट्रैटेजिक लीडर है वो किन बातों का ध्यान रखता है, ठीक है। उसके बाद सीएस एज अ स्ट्रैटेजिक लीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मार्क कर लो, इसको आपको करना ही है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरमेंट की बात करते हैं। आप लोग बस ये चार्ट अच्छे से कर लेना, ये जो चार्ट आप लोगों को दिया हुआ है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट, ये चार्ट आप लोग बस इसको भी याद कर लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। ये मैं लास्ट डे के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, लास्ट डे के लिए। तो जिस दिन एग्जाम होगी उसके एक दिन पहले आपने बस ये चार्ट भी अच्छे से कर लिया, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 12 में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये चार्ट अच्छे से कर लेना। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में कुछ नहीं दिया हुआ है कि एमसीक्यू बीच में से कुछ पूछ लिया, तो डिटेल में ज्यादा चीजें दी नहीं है, तो बस चार्ट कर लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है, ओके, यस। मिशन और विजन में डिफरेंस, ठीक है, विजन और मिशन में जो डिफरेंस है वो यूनिट 13 में वैसे दिए हुए आपको, बट ये आपको अच्छे से कर लेना है। पोर्टर के 5 फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टर के 5 फोर्सेस तो रट लेना और मतलब घोट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। सो पोर्टर के फाइव फोर्सेस तो बिल्कुल याद ही कर लेने हैं, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है कि न्यू एंट्रेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ठीक है? कर लोगे ये? यस, ये इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल वाला पार्ट छोड़ भी सकते हो तो चलेगा, छोड़ना है मतलब क्या, लास्ट डे छोड़ सकते हो, अभी पढ़ के जाना है, ठीक है? ओके, यस। उसके बाद ये जो आप लोगों को केस स्टडी दी पिज्जा हट की, वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाना है इसको, ठीक है? उसके बाद ये हो गया चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 13 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें आपको ये फीचर्स कर लेना है, ये लिस्ट भी कर लोगे तो काम हो जाएगा, इसमें आपको अंदर का कॉन्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद विजन मिशन में मैंने जो आपको डिफरेंस बताया वो कुछ विजन स्टेटमेंट याद करके जाओ, एक आध तो पूछेंगे, कोई एक आध कंपनी का विजन और मिशन पूछेंगे, वो आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैंने आपको नोट्स में भी थोड़े से विजन मिशन स्टेटमेंट दिए, तो वो आप लोग करके जाना, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो करके ही जाना। विजन मिशन में डिफरेंस मैंने आपको बताया ही, आएगा ही आएगा, मतलब लिख कर ले लो, क्वेश्चन आएगा ही विजन मिशन पर, आएगा ही आएगा, ठीक है? उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज हैं बिजनेस और कॉर्पोरेट के बीच में डिफरेंस, ये वाला जो ग्राफ है जो बताता है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसको आप करके जाना, एमसीक्यू आता है इस पर, ठीक है? उसके बाद अलग अलग फंक्शंस की जो स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आ सकता है ना, तो विजन मिशन पर आ सकता है और ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज पर आ सकता है। पांच फंक्शनल स्ट्रैटेजी हमने इसमें पढ़ी है, कौन कौन सी? फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, तो ये पांचों आपको अच्छे से कर लेनी है, क्लियर है? जैसे अलग 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 टाइप के डिसीजन हो गए हैं, मार्केटिंग में मार्केटिंग पोजीशन अलग अलग टाइप की होती है, मार्केटिंग मार्केट में एंट्री करने की अलग अलग तरह की पोजीशंस होती हैं, तो वो हम लोगों ने इसमें पढ़ी है। लॉजिस्टिक्स के वो एट एलिमेंट्स हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, याद करो, ठीक है? वो अच्छे से कर लेना। अच्छा, एचआर स्ट्रेटजी थोड़ी ठीक ठाक करी तो भी चलेगा, एचआर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है? बट मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्रोडक्शन तो भाई साहब, ये चार्ट तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है? तो प्रोडक्शन तो अच्छे से कर ही लेना, ओके, यस। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 14 पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट नंबर 14 पर आता है, यूनिट नंबर 14 क्या बोलता है ध्यान से सुनना, स्वॉट एंड टोस तो बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत। अग्रेसिव कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, कंजर्वेटिव कौन सी होती है, कंपेटिटिव कौन सी होती है, डिफेंसिव कौन सी होती है। अच्छा, इसमें तो आप लोगों को याद ही है वो तुम्हारा प्यारा टॉपिक बीसीजी मैट्रिक्स, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे से कर लेना है। सो क्या होता है, सो वो एसटीडब्ल्यूटी, मैंने तुम लोगों को सारे ट्रिक्स के साथ याद करा है, वहां पर अगर तुमने रायता फैलाना तो तुम देख लेना, ठीक है? चलो, सो ये सो वो एसटीडब्ल्यूटी क्या मैग्जी मैग्जी होता है, क्या मैग्जी मिनी होता है, क्या मिनी मिनी होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है। देखो यार, इसमें जो मेट्राइसिस है ना, वो सब अच्छे से करना है। नाइकी हो गया, पेप्सी हो गया, एप्पल हो गया, इनमें से तुमने एक आध की भी स्ट्रैटेजी की चल जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमको सारी ही स्ट्रैटेजीज करनी है, बट ये जो आपका टोज और स्वॉट मैट्रिक्स है वो अच्छे से करना है, जो आपको स्टार्टिंग में दिया है, जो स्ट्रैटेजीज दी है अग्रेसिव डिफेंसिव, वो अच्छे से कर लेना है, बाकी तो ठीक है, ओके, यस। पर्ट सीपीएम का डिफरेंस कर लेना, ठीक है? पर्ट सीपीएम आपको कुछ बनाने बनाने नहीं आएगा, बट पर्ट सीपीएम का डिफरेंस करना। एमेजॉन का स्वॉट इंपॉर्टेंट है, एमेजॉन का स्वॉट बहुत तेज इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है? कोको कोला वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि अमेंडमेंट आया है, ठीक है? अमेंडमेंट आया इसीलिए, वरना कुछ इतना ज्यादा खास नहीं है, अमेंडमेंट आया इसलिए। स्कॉडा छोड़ भी सकते हो, कुछ बहुत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है स्कॉडा में, ठीक है? स्कॉडा का यूएसपी कर लेना, इंपॉर्टेंट है यूएसपी, अमेंडमेंट के तौर पे बता रही हूं मैं, ठीक है? सीपीएम, इस सीपीएम में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई सीपीएम क्या क्या आपको बताता है, ठीक है? सीपीएम से हमें क्या क्या पता चलता है, तो वो सीपीएम अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये आपने प्रैक्टिकल नहीं भी किया चलेगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कौन सा होता है, अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज वाला मॉडल कौन सा होता है, ठीक है? तो इसको अच्छे से कर लेना।
मैट्रिक्स तो आपको सारे ही करने, बीसीजी, एंड्स ऑफ, एडीएल सारे करने हैं. मतलब मैट्रिक्स तो मैं आपको एक भी नहीं बोलूंगी छोड़ने के लिए यार, यही तो है जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे उसमें, तो ये प्लीज मत छोड़ना. ठीक है, सारे ही मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट और है बहुत सिंपल, है ना. सक्सेस का, सक्सेस ऑफ बीसीजी, फेलियर ऑफ बीसीजी, एंड्स ऑफ में मार्केट में कैसे घुसना है, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, हमने पूरा एक्शंस के साथ याद किया था अगर तुम्हें याद हो तो. ठीक है, एडीएल मैट्रिक्स में, एडीएल मैट्रिक्स थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब अगर तुम इसको थोड़ा एवरेज भी पढ़ोगे तो चलेगा, बहुत नहीं रट पाओ तो चलेगा, इतनी दिक्कत नहीं है. ठीक है, मैकिन्सी इंपॉर्टेंट है, मैकिन्सी करके जाना, है ना, मैकिन्सी काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये लूक एंड जॉर्ज की स्ट्रेटेजीज कर लेना यार, बहुत बहुत सिंपल है. तो भाई या तो आप स्टेबल रहो, या आप एक्सपैंड करो, या फिर आप डाइवर्सिफाई करो, तीन ही है तो ये तो बहुत सिंपल है. ठीक है, ऊपर ऊपर से रीड किया चलेगा. पोर्टर के यहां पर आप छोड़ सकते हो, यहां पर पोर्टर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यूनिट नंबर 12 में पोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां का थोड़ा छोड़ दिया तो चलेगा. ठीक है, ओके, यस, चलो. यूनिट नंबर 5 में मैं आपको क्या बोल रही हूं, सीधे आप लोग किस पे आ जाओ यूनिट नंबर 5 में, इम्प्लीमेंटेशन पे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 5 में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो ये जो आपका इम्प्लीमेंटेशन बताया है, एक तो 7S फ्रेमवर्क, जो जीई मैकिन्सी ने 7S फ्रेमवर्क दिया था, जो 7S फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो अच्छे से कर लेना है. सॉफ्ट टेस्ट कौन से होते हैं, हार्ड टेस्ट कौन से होते हैं, वो अच्छे से कर लेना है. और उसके बाद आप लोग तो सीधे जो इम्प्लीमेंटेशन है ना यार, ये बहुत अच्छे से करके जाना. ये वाले जो चार इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल, बिहेवियरल, फंक्शनल. फंक्शनल तो आप लोगों को कुछ दिया भी नहीं, मेन तो आपको स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल, बिहेवियरल है, जिसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं स्ट्रक्चरल में. प्रोसीजरल में तो 7-8 पॉइंट्स ही हैं कि आपको लाइसेंस लेना है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान रखना है, एक्ट को फॉलो करना है, अप्रूवल्स, परमिशंस लेनी, तो यही प्रोसीजरल था. ठीक है, और बिहेवियरल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से करके जाओगे. ठीक है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें पता है क्या है, जो तुम्हारा फेवरेट है, फेवरेट टॉपिक कौन सा तुम्हारा, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टेक्निक्स. यस माय फ्रेंड, ये जो टेक्निक्स है प्रेमाइसिस कंट्रोल, मैंने इसको बहुत डिटेल्ड में लेक्चर्स में पढ़ाया है. ठीक है, तो ये जो कंट्रोल टेक्निक्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो प्रेमाइस कंट्रोल, मोमेंटम कंट्रोल, लीप कंट्रोल, ये सारी कंट्रोल टेक्निक्स तो करके ही जाना. ठीक है, चेंज एक बार बस ऊपर ऊपर से रीड कर लेना इनको. ठीक है, ये जस्ट रीड ओनली वाले टॉपिक्स है, चेंज वाले. ठीक है, तो ये रीड ओनली वाले टॉपिक्स है, चेंज वाले के रीस्ट्रक्चरिंग होता है, री इंजीनियरिंग होता है, इनोवेशन होता है, तो इसको रीड करके चले जाना. बैलेंस स्कोर कार्ड, अभी अमेंडमेंट आए तो इसको अच्छे से कर लेना. ठीक है, अमेंडमेंट आए तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना कि बैलेंस स्कोर कार्ड कितने टाइप का होता है, इसके चार पर्सपेक्टिव होते हैं, ये करके जाना. ठीक है, अरे यार एक तो ये मेरे को ना जीने नहीं देगा लाइफ में. यस, ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल भी है, इसमें कुछ खास नहीं है. अच्छा, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक एड, यार इसमें तो तुम बीपीआर को तो रट लो, घोट लो. यूनिट नंबर 16 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. मतलब अगर मैं 14, 15, 16 की ओवरऑल बात करूं, 16 में इतने सारे अमेंडमेंट्स है कि वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. 15 में इम्प्लीमेंटेशन, जो चार तरह का इम्प्लीमेंटेशन हमने पढ़ा, और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और यूनिट 14 में आपके अलग अलग मेट्राइसिस, अगर तुमने इतना भी करना है तुम्हारे 20 मार्क्स तो पक्के हैं. क्या क्या बताया मैंने, सिर्फ आपके सारे मेट्राइसिस, सारा इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल टेक्निक्स, और यूनिट 16 में आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो, अगर तुम इतना कर ले तुम्हारे 20 मार्क्स तो पक्के हैं. बट तुम्हें सिर्फ 20 तो नहीं लाना है, तुम्हें लाना है एटलीस्ट 37-38, और यू कैन विश फॉर 40 मार्क्स, राइट. तो उसके लिए आपको इतना सब तो करना ही पड़ेगा. सारा जो आपका ईआरपी मैंने आपको पढ़ाया है, फिनटेक पढ़ाया है, इंडस्ट्री 4.0 पढ़ाया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ाया है, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, नया है इसीलिए पढ़ के जाना. ब्लॉकचेन तो पढ़ ही लेना, क्रिप्टो करेंसी आ गया है, ब्लॉकचेन पढ़ ही लेना. ठीक है, उसके बाद बीपीआर देखो रीड ओनली टाइप का टॉपिक है, कर लेना. टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना. ठीक है, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, ये जो आपकी फोर्ड की केस स्टडी दी है, कर लेना इसको याद से. टाइप्स एंड अप्रोच ऑफ बेंचमार्किंग दोनों इंपॉर्टेंट है. सिक्स सिग्मा बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, ये जेरोक्स की जो प्रोसेस है इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, जेरोक्स की प्रोसेस को छोड़ना मत बिल्कुल भी.
ठीक है। टीक्यूएम की जो ये जो है ना प्रिंसिपल्स, ये नहीं भी किए तो चलेगा, ये थोड़े से टफ जाते हैं, नहीं किए तो चलेगा, ठीक है। टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये वाले जो प्रिंसिपल्स आपको दिए मैं कि कस्टमर फोकस होना चाहिए, इंप्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटीग्रेट सिस्टम है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये वाले प्रिंसिपल्स अच्छे से कर लेना। सिक्स सिग्मा में आप लोगों को बस और बस क्या करना है, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन लेवल्स, ठीक है। जो टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन लेवल्स होते हैं, चैंपियनशिप, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। बीपीआर सिक्स सिग्मा में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो मैंने अमेंडमेंट्स तो बताए, तो अमेंडमेंट्स तो सारे ही कर लेना है। ये इसको तुम छोड़ सकते हो, फोर्ड मोटर कंपनी का सिक्स सिग्मा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईआरपी हो गया है आपका, ईआरपी का एडवांटेज डिसएडवांटेज, इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, ब्लॉकचेन, ये सब अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने एसएम का इसीलिए आज लिया है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट इतने ज्यादा है ना कि तुम कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो अमेंडमेंट, ठीक है। बाकी तो मैंने तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता ही दिए हैं, क्लियर है। एसएम का तुमको क्लियर है। अब मैं आप लोगों को लास्ट मिनट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूं, विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जाकर बुला लो अगर वो भाग चुके हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा, एसएम के लिए सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, मैं एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को एक यहां पर गाइडेंस दे रही हूं, नॉट ओनली फॉर एसएम, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके। सबसे पहले फर्स्ट जो आपकी ट्रिक है वो है कि आपका जो पेन है वो होना चाहिए चार्ज्ड, ठीक है। यस, देखो सबसे पहला, इसको क्या हो गया है, चलो अपन इसमें कर लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। यस, टिप्स एंड ट्रिक्स, फर्स्ट, योर फर्स्ट 5 पेजेस शुड बी द बेस्ट वन। आपके जो सबसे पहले 5 पेजेस होने चाहिए वो बेस्ट होने चाहिए। देखो फर्स्ट 5 पेजेस ऑलवेज क्रिएट्स द इंप्रेशन एंड लास्ट 5 पेजेस रिटेन्स द इंप्रेशन। पता है क्या होता है ना, हम स्टार्टिंग में तो इतना मस्त लिख देते हो, लास्ट में आते आते इतना गंदा लिखते हैं ना कि आप लोगों का जो लास्ट 5 पेजेस के कारण जो शायद पूरे ओवरऑल मार्क्स बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़ते हैं। तुम्हें पता है लास्ट के आपको ना मेंटेनेंस, पूरी कॉपी को आपको आपने कैसे मेंटेन किया है उसके आपको मार्क्स मिलते हैं 3 से 4 मार्क्स, जिनको मार्क्स फॉर ग्रेस भी बोलते हैं। अगर आपने फर्स्ट 5 पेजेस से इंप्रेशन बना लिया और लास्ट 5 पेजेस से इंप्रेशन रिटेन कर लिया ना, तो अगर आपके 57 आए थे तो आपके 60 हो सकते हैं, अगर आपके 36 आए हैं तो आपके 40 हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 पेजेस एंड लास्ट 5 पेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉपी, ठीक है, तो उसका ध्यान रखो। आप क्वेश्चंस को शफल कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस को शफल कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस के सब पार्ट्स को शफल मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है, 2 भी नहीं आता, आपको 3 अच्छे से आता है, तो 3 अगर आपने उठाया है तो 3 के 4 पार्ट है, ए बी सी और डी, ठीक है, तो चारों पार्ट एक साथ आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि ए अभी सॉल्व कर लिया, बी बीच में कर रहे, सी गंगा जी में गया, डी तो छोड़ ही दिया, ऐसे नहीं करना है, अच्छे से एक साथ सॉल्व करना है। आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन होते हैं ना, सो ऐसे क्वेश्चन लिखो, ऐसे क्वेश्चन उठाओ जिसके आपको मैक्सिमम पार्ट का आंसर आता हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, भाई 4 के तो यार मेरे को चारों पार्ट बहुत अच्छे से आते, तो मैं 4 उठाऊंगी, 4 में से 3 पार्ट बहुत अच्छे से आते तो मैं 4 उठाऊंगी, आ रही बात समझ में। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। थर्ड, अब मैं प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव का अलग अलग बता रही हूं। एग्जीक्यूटिव में आपको थोड़े से टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, इधर उधर की बकर कम करनी है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आप 3/4 पेज में निपटा सकते हो या फिर हाफ पेज में भी निपटा सकते हो, कॉन्टेंट पूरा होना है। मैम ने बोला टू द पॉइंट करना है, ऐसे नहीं रेलिवेंट पॉइंट छोड़ दिया, एग्जीक्यूटिव में। प्रोफेशनल में आपको कॉन्टेंट ज्यादा से ज्यादा देना है, प्रोफेशनल वालों एग्जीक्यूटिव जैसा पेपर नहीं लिखना है, तुम्हें कंटेंट ज्यादा देने की जरूरत है। आईसीएसआई इज नाउ एक्सपेक्टिंग कंटेंट फ्रॉम यू इन प्रोफेशनल एग्जाम, बी ड्राफ्टिंग, बी डीडी और एनी अदर पेपर, बट मैं अभी के लिए आई कैन वाउच फॉर ड्राफ्टिंग एंड डीडी, आपको बहुत कंटेंट देना जरूरी है,
ठीक है, दोनों के लिए ही मैं बता रही हूं, मैं बता चुकी हूं इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे कंटिन्यू करोगे, मेन मैटर लिखोगे, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिखोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा, यू आर मेकिंग इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक द कॉपी, और इसके बाद यू कैन कंक्लूड योर आंसर। मैम कंक्लूजन में क्या लिखे समझ में नहीं आता है, इंट्रो को ही घुमा फिरा कर लिखना है, इंट्रो को ही घुमा फिरा कर लिखना है, कंक्लूजन में ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं लिख देना है, इंट्रो को ही घुमा फिरा कर लिखना है। चौथी चीज, अगर कमेंट क्वेश्चन आता है तो उसको केस स्टडी जैसे लिखो, ठीक है, जैसे कमेंट क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल दैट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर अ कंपनी, ठीक है, कमेंट इस तरह का क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, या आपको पता है स्टेटमेंट सही है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करो इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन, उसके बाद मेन पॉइंट लिखो और उसके बाद कंक्लूड करो कि तुम्हारा क्या कहना है, ठीक है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है और वो तीन पैराग्राफ देखता है ना, वो ऊपर का प्रोविजन पड़ेगा, मेन मेन पॉइंट पड़ेगा, बस तुम्हारा कंक्लूजन देखेगा और उसको फटाफट से फुल मार्क्स दे देगा। यू हैव टू कीप थिंग्स इजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक, तुम अपने लिए चीजें आसान मत करो वहां पर लिखना कि अरे यार चलो फटाफट पैराग्राफ लिख दे तो कौन पॉइंट बनाएगा, तुम एग्जामिनर के लिए चीजें आसान करो, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी में तो तुम सीधे बाकायदा बिल्कुल बिंदास मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दो पूरा कि इंट्रोडक्शन सॉरी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, ये तो तुमको पता ही है। मार्जिन लाइन के साइड में आपको क्या लिखना है, प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा कंक्लूजन ऑल द स्टूडेंट्स प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव सबके लिए बता रही हूं, कंक्लूजन कैसे लिखना है, व्हाइल कीपिंग इन माइंड facts of the case and provisions of the act, it is hereby concluded that, और फिर आप अपना conclusion लिखोगे, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है, आप तो ये मानकर चलो एग्जामिनर को पता ही नहीं है, एग्जामिनर तो बिल्कुल ना क्वेश्चन पेपर और जो आपका उनको मॉडल आंसर्स दिए हैं उसको वो क्या कर रहा है, उसको वो पूरा चेक कर रहा है, ठीक है। सो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आता है लेकिन इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं क्या, एग्जीक्यूटिव के केस में डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, लेसर क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आपको केस स्टडीज बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, प्रोफेशनल में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बस प्रोफेशनल में प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें आंसर क्या आएगा। प्रोफेशनल में आते डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको क्लिक करना चाहिए कि इसमें आंसर किस चीज का आएगा। एग्जीक्यूटिव में आपको आंसर पता होगा पर वो पूछे केस स्टडी के फॉर्म में होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में केस स्टडीज ज्यादा पूछी जाती है, तो केस स्टडीज पर थोड़ा ध्यान दो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो। प्रोफेशनल में क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन की बात करते हैं हम, सेक्शन कोट करना बहुत जरूरी है भाई, सेक्शन कोट करना जरूरी है, बट नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने आंसर को इतना स्ट्रांग करो कि वो सेक्शन ही भूल जाए, अरे हाँ यार इसे तो सेक्शन लिखा ही नहीं, भूल जाए हो, भूल ही जाएगा तुमने सेक्शन नहीं लिखा, तुम अपना आंसर इतना स्ट्रांग दो। तुम्हें क्या लगता है जब मैंने अपने पेपर्स दिए थे मुझे सारे सेक्शन आते थे, नहीं आते थे, मैं तो अभी भी भूल जाती हूँ बहुत बार सेक्शन, बट द वे आई यूज टू राइट द आंसर्स वर सो स्ट्रांग कि सामने वाला भूल जाता था कि यार इसने सेक्शन नहीं लिखा है। बट नो मैटर वॉट, डू नॉट राइट रॉन्ग सेक्शन, रॉन्ग सेक्शन लिखे ना तो मार पड़ जाइए, ठीक है। पहली चीज, तो ये जो तुम बोल रहे हो मार्क्स कट होते हैं कि नहीं, देखो मार्क्स तुमने आंसर कैसे लिखा है उस पर कट, उस पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा आंसर भी थोड़ा सा वीक है, सेक्शन भी नहीं लिखा है, तो फिर कट हो सकते, तो फिर तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे 5 में से। अगर तुमने सेक्शन नहीं लिखा है बट आंसर बहुत स्ट्रांग है तो तुम्हें 4 मिल सकता है। अगर तुमने सेक्शन लिखा है बट आंसर थोड़ा वीक है तो भी तुम्हें शायद 4 मिलेंगे या 3.5 मिल सकता है। तो सेक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि आंसर ठीक ठाक लिखा चलेगा, आ रही बात समझ में, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। और लास्ट चीज जो मैं बिफोर टेकिंग योर क्वेरीज, जो मेरी तरफ से एक लास्ट चीज है जो मुझे अभी स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली बोल रहे हैं कि मैम हमें याद नहीं रह रहा है,
देखो जब तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही ना कि यार तुमने खुद को डिसअपॉइंट कर दिया और तुम्हें याद नहीं रह रहा, पेपर उठाओ सॉल्व करो। जो सब्जेक्ट में लग रहा है ना नहीं हो रहा है, पेपर उठाना है और सॉल्व करना है, वहां पर तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहां खड़े हो। और ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, यू दैट टाइम यू विल रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स दैट यू वर फीलिंग, की यू नो दैट यू वर समवेयर फॉरगेटिंग, दैट यू फेल लाइक फॉरगेटिंग। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा था कि तुम भूल चुके हो, यू विल रिमेंबर देम वेल सॉल्विंग द पेपर। और खुद को ना बिल्कुल एग्जामिनर जैसे टेस्ट करो। आ रही बात समझ में? सो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। मैं ये बोल रही हूं मेक क्वेश्चन पेपर्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं ये बार 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 बोलती हूँ, मेक क्वेश्चन पेपर्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। स्टूडेंट्स इतना ज्यादा इस चीज को लाइटली लेते हैं ना कि क्वेश्चन तो लास्ट में कर लेंगे। यार लास्ट में नहीं करना है, उठाओ स्कैनर, उसको पूरा खत्म कर डालो। मतलब तुम्हारा इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना कि अगर स्कैनर से कोई क्वेश्चन रिपीट आया ना तो तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन तो पुराने है तो स्कैनर का क्वेश्चन है। इतना स्कैनर अच्छे से कर लेना होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, 8 दिन 7 दिन कर लो उसको। ठीक है, यस। थ्योरी में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। आपका आंसर वैसा होना चाहिए। लोगों को मिले हैं थ्योरी में फुल मार्क्स। ये जो ऑल इंडिया रैंकर्स है ना, उनकी कॉपीज मंगा लो, उठा लो, मिले हैं उनको फुल मार्क्स। सो दिस इज अ मिथ, एब्सोल्युटली अ मिथ। थ्योरी ने क्या बिगाड़ा यार, प्रैक्टिकल में मिलते हैं, थ्योरी में नहीं मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी कम है, ओके, बिकॉज देयर इज नो सच आंसर लाइक परफेक्ट आंसर। ओके, ये कॉन्सेप्ट एक मिथ है कि परफेक्ट आंसर क्या होता है। बट अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा है और तुमने सब कुछ कवर किया है तो वो किस बेसिस पे मार्क्स काट देगा? करेक्ट है ना? यस, केस स्टडी के नाम याद नहीं रहते, कोई टेंशन नहीं है। केस स्टडी के नाम, जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज केस स्टडीज है, उनको तुम फैकल्टी से पूछो कि मैम या सर, वॉट एवर, फैकल्टी से पूछो जाकर कि कौन सी केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको करो, जो नहीं है वो मत करो। नहीं याद रह रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू फ्रेम योर आंसर रादर देन राइटिंग सेक्शंस इन केस स्टडीज। वो तो बोनस ही है यार, वो लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, दैट इज वेरी क्लियर। बट आंसर फ्रेमिंग पर भी उतना ही ध्यान दो। ठीक है, फैक्ट्स में कितना और क्या लिखे? अरे फैक्ट्स में तो तुम क्वेश्चन को रिपीट कर दो, जो क्वेश्चन तुम्हें दिया है ना, इन दिस केस, और क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर देना। ठीक है, तो फैक्ट्स में बस, हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके रिपीट करो, 2 से 3 लाइन के फैक्ट्स ऑफ द केस इज इनफ। ओके मैम, स्कैनर देखना है सब्जेक्ट में? यस, देखो जिन फैकल्टी से तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है ना, वो भी कर लिया तो चलेगा। बट पुराने, तुम स्कैनर पे क्यों जा रहे हो यार? तुमको पुराने पेपर्स दिए ना आईसीएसए के, तुम्हें क्यों पैसे बर्बाद करने हैं खुद के? आईसीएसए की वेबसाइट पर जाओ, तुम्हें पुराने पेपर्स दिए हैं उनको खोलो, उसमें आंसर्स भी लिखे हैं, दिया है आईसीएसए की वेबसाइट पर। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आईसीएसए सर्च करोगे तुम्हें सब मिल जाएगा। मैम, डीडी में टाइप्स ऑफ ऑडिट में इंडस्ट्रियल लेबर ऑडिट स्किप कर सकते हैं क्या? देखो स्किप तो नहीं कर सकते हो, बट वो जो उसका चेकलिस्ट है ना, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑडिट के नाम, अलग अलग एक्ट्स के नाम है, उसको स्किप कर सकते हो। बाकी तो अच्छे से करो। सिर्फ जो एक्ट्स के नाम है, अलग अलग एक्ट जो दिया हुआ है आपको, वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वो थोड़ा मिस कर सकते हो, बाकी तो अच्छे से करो। यस, ठीक है मैम, टैक्स का थोड़ा डर है बस। देखो टैक्स को ना तुम लोगों ने सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ, जिसमें तुम्हें डर है ना, यू नो दैट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ वीकनेस, पेपर उठाओ सॉल्व करो, सिंपल है। जिसमें तुम्हें लग रहा है, जैसे बहुत स्टूडेंट्स इनको JIGL टफ पड़ता है, प्रोफेशनल में बहुत स्टूडेंट्स इनको CRI टफ पड़ता है, DD टफ पड़ता है, पुराना पेपर उठाओ सॉल्व करो, बात ही खत्म। तो तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब तो टाइम आ चुका है ना पुराना पेपर सॉल्व करने का, राइट? अच्छा, MCQ के लिए एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट जो बता रही हूँ मैं, MCQ में बहुत बार तुम्हें ऐसे ऑप्शंस आएंगे, स्पेशली थ्योरी का जो MCQ पेपर होता है, टैक्स में भी तुम्हें ये हेल्प मिलेगी कि तुम्हें मल्टीपल ऑप्शन सही लगते हैं। तो जब भी तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन होना, स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। चार ऑप्शन है, ABCD, एक ऑप्शन तो डेफिनेटली ऐसा होता है जो भयंकर गलत लगता है, तो उसको तो हटा ही दो। उसके बाद जो थोड़ा ज्यादा गलत लग रहा है उसको हटाओ। अब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा तुम्हें, डेफिनेटली 2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे कि कौन सा सही है। फिर क्वेश्चन को वापस से रिपीट करो, रीड करो, फिर से ऑप्शंस को देखो, एक एक ऑप्शन को फिट करने की कोशिश करो, तुम्हें एक अपना करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा। अच्छा, टिक टिक जय माता दी करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, मजा आ जाएंगे लाइफ में अगर जय जय माता दी किया है तो। ठीक है,
एक दिन में थ्योरी सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें आदित्य, मैंने इसीलिए अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, क्वेश्चन जरूर करके जाना, एक दिन पहले क्वेश्चन जरूर करके जाओ। देखो अगर तुमने अभी तक पूरी अच्छे से मेहनत की है ना, अभी तक अगर तुमने अपनी पूरी बुक चतर दी है ना, तो तुम्हें एक दिन पहले वाली चीज कुछ मैटर नहीं करेगी, ठीक है। आई टेल यू व्हाट द टाइम आई क्लियर सीएस प्रोफेशनल, समबडी हैड एक्सपायर्ड इन माय फैमिली और मुझे पता था कि मैं एक दिन पहले अब नहीं पढ़ पाऊंगी, ठीक है। तो लेकिन मेरी पहले की मेहनत बहुत स्ट्रांग थी ना, तो एक दिन पहले की मेहनत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, उसकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं। सो द पॉइंट इज कि आपने अभी तक तैयारी स्ट्रांग की है तो आपको एक दिन पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा, तो उसको इतना ज्यादा ना वेटेज मत दो, एक दिन पहले क्या पढ़ के जाए, ठीक है। जो जो मार्क करके गए हो ना आप लोग, वो ही आपको एक दिन पहले पढ़ना है, जो जो भी आपने अपने हाथों से मार्क किया है। अभी भी टाइम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड में लिखते चलो, अभी भी मॉड्यूल उठाओ, साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। मैम पास क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। 20-25% पेपर स्कैनर में से आता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्कैनर को छोड़ो ना यार, तुम तो जो आईसीएसआई के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं उसको उठाओ और कर लो उसको, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस मैं करती हूँ यार। सो बेसिकली एक अभी पिछले टर्म का AIR 9 स्टूडेंट है मेरा, तो मैं उसके प्रोफेशनल का है वो, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैं ले सकती हूँ। और एक एग्जीक्यूटिव का तो आई डोंट थिंक मैं करवा पाऊंगी, बट फाइनल का डेफिनेटली करूंगी मैं, ठीक है। आई डू दिस, डू इट दिस वीक, ठीक है। यस, तो क्या हम अपना सेशन समाप्त करें? ऑलराइट, सो आई गेस इट वॉज अ वेरी, आई होप इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। मैंने आपको सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, और आप लोग प्लीज इसके साथ आगे बढ़ो। आई नो एंड आई अपोलोजाइज मैं थोड़ा सा लेट हूं इसके साथ, बट आई विल स्टक विद समथिंग, बट यस। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी लगे ना तो मुझे बिंदास पूछो। और आप AIR आए थे? नहीं, मैं AIR नहीं आई थी भाई, मैं नहीं आई थी AIR, ठीक है। बट यस, अधूरा सपना रह गया, पहला प्यार अधूरा रह गया, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स पास्ट पेपर्स वी शुड डू? आई थिंक 4 years इज ओके, क्योंकि यार उसके पहले ना अमेंडमेंट का बहुत गड़बड़ हो जाता है फिर। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं अच्छे से, आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर्स पर मत जाना, आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर्स पर मत जाना। हाँ, जो ट्रू फॉल्स वाले या कॉमेंट वाले होते हैं कि सही क्या कंक्लूजन होगा वो देख सकते हो, बट उसकी थ्योरी पर मत जाना, ओके। एंड यस भाई, तो आग लगा दी है हम लोगों ने, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज डू वेल, डोंट पैनिक एट ऑल, बहुत मेहनत की है तुम लोगों ने। लास्ट के 10 दिन में ना पैनिक से मत बिगाड़ना, मैं तुम्हें सच बता रही हूं, तुम्हारी तैयारी तो तुम्हारा पेपर क्लियर करेगी, बट मोर देन दैट, ओवर एंड अबव दैट यू नीड कॉन्फिडेंस। हम नर्वसनेस में आके चीजें बिगाड़ते हैं, और ये पुराने महान मनुष्य बोलकर गए हैं, नाम नहीं पता मुझे उनका, बट वो बोलकर गए हैं, ठीक है। तो प्लीज कीप कॉन्फिडेंस एंड प्लीज वेयर दैट वाइल यूर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीजें हो जाती है, तुम्हारा दिमाग खुला रहता है, जब नर्वस होते हो दिमाग बंद रहता है, सोचते नहीं हो, ठीक है। बाकी तो यार यस, मच नीडेड, ऑलराइट, ओके गाइस। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज बी हैप्पी, प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड स्टडी वेल, हैप्पी स्टडीज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।